Yes, hello everyone. Good morning to everybody. In the last class, we have discussed 75 questions of October current affairs part. हमने last October current affairs part 3 में 75 question discuss किए थे. ठीक है, आज हम current affairs part 4 discuss करने वाले हैं. ठीक है, 75 क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं, आज हम करंट अफेयर्स पार्ट 4 डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, और अगर किसी की भी प्रीवियस क्लासेस मिस हो गई हो तो वो हमारा यूट्यूब चैनल कमल हितेश बजाज एप्टीट्यूड पर जाकर इसको कवर कर सकते हैं. ठीक है, और अगर किसी को भी प्रीवियस करंट अफेयर्स या बैंकिंग की प्रेजेंटेशन चाहिए तो 9034064864 पर व्हाट्सएप करके आप उन प्रेजेंटेशन को मंगवा सकते हैं. तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए जरा शुरू करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु इज द ओनली इंडियन टू फीचर इन द फोर्ब्स लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सीएमओ. रवि संथनम, सुजीत गांगुली, संजीव यादव या आशा खारगा. बिल्कुल सही जवाब, द राइट आंसर इज रवि संथनम. अब ये है कौन? रवि संथनम कई बार ऐसे ही पूछ सकते हैं. ही इज एन सीएमओ ऑफ एचडीएफसी बैंक. इससे रिलेटेड क्वेश्चन और क्या आ सकता है? इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये आ सकता है, पहले तो हमारी एचडीएफसी की फुल फॉर्म क्या होती है? हम जानते हैं हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन. ठीक है, एक तो इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, दूसरा इसका हेडक्वार्टर पता होना चाहिए, तो हेडक्वार्टर्ड इन मुंबई. ठीक है, और तीसरी चीज क्या, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि एज पर वैल्यू नंबर वन बैंक हमारा कौन सा, नंबर वन प्राइवेट सेक्टर बैंक, तो ये नंबर वन हमारा प्राइवेट सेक्टर बैंक है. ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में हमारा नंबर वन बैंक किसका आता है? एचडीएफसी का. सबसे ज्यादा जो मार्केट शेयर है वो एचडीएफसी का ही है. ठीक है, अब एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड और क्या आ सकता है कि इसके साथ साथ जो एचडीएफसी है वो डी सिप की कैटेगरी में भी है. ये बैंकिंग के रिगार्डिंग बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अभी डी सिप क्या होता है? डी सिप होता है डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक. डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक. एक्चुअली डी सिप की कैटेगरी में हमारे तीन बैंक है. एक तो हमारा SBI है, एक हमारा ICICI है, ठीक है, और तीसरा हमारा HDFC है. ये डी सिप की कैटेगरी में आता है. एग्जाम में सो मेनी टाइम्स ये क्वेश्चन पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक इज एन पार्ट ऑफ डी सिप. ठीक है, तो ये डी सिप की कैटेगरी में आता है. डी सिप एक्चुअली जो ये लिस्ट है, पहले एक जी सिप की लिस्ट आती थी, ग्लोबल सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक, जो जारी कौन करता था? FSB, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड. ये लिस्ट जारी करता है. एक्चुअली ये उन बैंक्स के लिए जारी करता है जिनका मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा है. अब अकेले SBI का ही शेयर जो है मार्केट में आपका मोर देन 26% है. ठीक है, तो इस मार्केट शेयर को देखते हुए आपका जो है NPA भी बहुत ज़्यादा रहेगा. अब NPA क्या होता है? NPA होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स. ठीक है, जिन बच्चों का कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है उनको NPA के बारे में नॉलेज नहीं होती है. तो NPA मतलब देखो, बैंक के लिए जो एसेट होते हैं वो क्या होते हैं? लोन होते हैं. और जो बैंक के लिए डिपॉजिट होते हैं वो क्या होती हैं? आपकी जो है लाइबिलिटीज होती हैं. ठीक है, तो अब एसेट क्या है? लोन. तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट मतलब जब एसेट नॉन परफॉर्म करना शुरू कर दे, मतलब जब उसके ऊपर EMI आना बंद हो जाए, जब उसके ऊपर हमारा इंटरेस्ट आपका जो बन रहा है वो नहीं आए. ठीक है, तो हमारा जो है क्या हो जाएगा? वो NPA हो जाएगा. तो नेचुरल सी बात है, जब लोन में भी सबसे ज्यादा इन्हीं बैंक्स का शेयर है, SBI, ICICI एंड HDFC, तो इन सबको देखते हुए आपका इसको DCP कैटेगरी में ऐड किया गया. पहले तो SBI और ICICI थे. ठीक है, 2015 की बात करें तो SBI और ICICI को ऐड किया गया था, लेकिन फिर 2017 में HDFC को भी इस लिस्ट में ऐड कर लिया गया. ठीक है, आई होप कि यहाँ तक हमें समझ में आ गया होगा. अब HDFC के चेयरमैन भी पूछ सकते हैं, तो HDFC के चेयरमैन कौन है? दीपक पारेख इज एन चेयरमैन ऑफ HDFC. ये हमारे चेयरमैन है किसके? आपके HDFC के. तो आई होप कि हमें यहाँ तक क्लियर होगा. अब चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ.
नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर. हियर वी आर हैविंग द 2020 नोबेल प्राइज फॉर फिजियोलॉजी और मेडिसिन. देखो यार, फिजियोलॉजी और मेडिसिन एक ही बात होती है, ठीक है. हैज बीन अवॉर्डेड फॉर द वर्क ऑन विच वायरस, किस वायरस पे काम करने के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था हेपेटाइटिस सी के फील्ड में. बिल्कुल सही जवाब, हेपेटाइटिस सी. अब एग्जाम में ना कई बार ये पूछ लेते हैं कि किन किन को मिला है, तो आपको पता होना चाहिए. कई बार ऐसे बोलते हैं कितने लोगों को मिला है, 3 लोगों को मिला है. या कई बार ऐसे पूछ लेते हैं कि मान लीजिए हार्वे जे आल्टर को मिला है, बिलोंग्स टू विच कंट्री, बिलोंग्स टू अमेरिका, ठीक है. एंड चार्ल्स एम राइस, दोनों ही आपके अमेरिका से बिलोंग करते हैं, ठीक है. और ब्रिटिश साइंटिस्ट कौन से हैं, माइकल हार्टन, वर अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन और फिजियोलॉजी, ठीक है. अच्छा एक चीज और, अब इसको लर्न करना बड़ा जरूरी है ना, लर्न करना बड़ा जरूरी है. तो इसको हम लर्न एक टेक्निक से लर्न कर सकते हैं कि भैया भाई आपका जो है नोबेल प्राइज जो हमारे को मिला है वो आपका जो है किस फील्ड में मिला है और किन किन लोगों को मिला है. तो नाम को हम इस तरह से लर्न कर सकते हैं कि आपका जो है माइकल ने हट कर दी कि मैं राइस खाऊंगा. माइकल ने क्या कर दी, हट कर दी कि मैं राइस खाऊंगा. और आपका जल्दी जल्दी में आपका उसने मतलब विदाउट अल्ट्रेशन किए आपका राइस खा लिए, ठीक है, विदाउट अल्ट्रेशन किए राइस खा लिए, ओके. तो अब क्या हुआ, आपका जो है उसको मेडिसिन देनी पड़ी. अब क्या देनी पड़ी, उसको मेडिसिन देनी पड़ी. तो इस तरीके से याद रहेगा, माइकल ने हट कर दी थी कि मुझे क्या खाने हैं, राइस, ठीक है. तो विदाउट अल्टर किए, अल्ट्रेशन किए, मतलब आपका जो है उसने मतलब यू कैन से चेंजेस किए, विदाउट चेंजेस किए, अल्ट्रेशन किए, उसको खा लिया, तो उनको क्या प्रॉब्लम हो गई और उनको मेडिसिन देना पड़ा. तो इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं. अब एग्जाम में तो क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग भी आ सकते हैं कि हमारा नोबेल प्राइज जो है कब स्टार्ट हुआ था. नोबेल प्राइज हमारा 1901 से दिया जा रहा है, अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिया जा रहा है, ठीक है. अब अल्फ्रेड नोबेल कहाँ से बिलोंग करते थे, स्वीडन से बिलोंग करते थे. तो ये कहाँ का प्राइज है, स्वीडन का प्राइज है. फिर वो ये भी पूछ सकते हैं कि इसकी प्राइज मनी क्या है. तो इसकी प्राइज मनी क्रोना में दिया जाता है, 1,000,000 क्रोना, ठीक है. तो क्रोना में इसका प्राइज मनी दिया जाता है, ठीक है. और क्वेश्चन क्या आ सकते हैं कि नोबेल प्राइज जो है सबसे पहला मेडिसिन की फील्ड में किसको दिया गया था, हरगोविंद खुराना को दिया गया था, ठीक है. हरगोविंद खुराना को मेडिसिन की फील्ड में सबसे पहला आपका जो है नोबेल प्राइज दिया गया था इंडिया में, ठीक है, इंडिया की बात हो रही है. और अगर वेरी फर्स्ट नोबेल प्राइज की बात करें तो वेरी फर्स्ट नोबेल प्राइज जो हमारा इंडिया को मिला, इंडिया में मिला था, वो 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था. किसको मिला था आपका, रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था, ठीक है. अब आपका जो है ये भी पूछ सकते हैं कि नोबेल प्राइज कितनी फील्ड में दिया जाता है. नोबेल प्राइज 6 फील्ड में दिया जाता है. 3 तो साइंस की फील्ड हो गई, फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसके बाद बायो मेडिसिन या फिजियोलॉजी, एक ही बात है, ठीक है. और उसके बाद हमारा इकोनॉमिक्स, पीस एंड लिटरेचर. ये भी पता होना चाहिए कि हमारा नोबेल प्राइज कितनी फील्ड में दिया जाता है, 6 फील्ड में दिया जाता है. तो इसमें लास्ट में कौन सा फील्ड ऐड हुआ था, इकोनॉमिक्स ऐड हुआ था, ये भी हमें नॉलेज में होना चाहिए. एवरी ईयर ये अवॉर्डेड होते हैं अक्टूबर में, मतलब सॉरी आपका जो है अनाउंस होते हैं अक्टूबर में, अवॉर्डेड होते हैं ये दिसंबर में. अब एक एक्सेप्शन और भी है इसके अंदर, सारे के सारे नोबेल प्राइजेस जो है ना ये हमारे स्वीडन में दिए जाते हैं. सिर्फ एक पीस वाला एक एक्सेप्शनल है, पीस वाला नोबेल प्राइज हमारा ओस्लो में दिया जाता है, नॉर्वे में दिया जाता है, जो कि नॉर्वे की कैपिटल है, क्लियर. तो ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए. एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है कि कब अनाउंस होते हैं, कितना प्राइज मनी होता है, किस करेंसी में प्राइज मनी दिया जाता है, कब से दिए जा रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है. आई होप कि हमें यहाँ तक क्लियर होगा. अब आगे जाकर भी हम जो है बाकी फील्ड्स के नोबेल प्राइज भी डिस्कस करेंगे, ठीक है. तो यहाँ तक क्लियर है बेटा सभी को, यस एवरीबडी. तो चलते हैं, आई होप कि हमें yes, आ गया होगा. तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर, हियर वी आर हैविंग. तो देखिए जरा, युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध इज द कैंपेन लॉन्च इंडियन स्टेट. ये पहले भी हम कर चुके हैं, है ना, ये पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं, न्यू दिल्ली, ठीक है. अब न्यू दिल्ली के रिगार्डिंग आपका जो है, अब न्यू दिल्ली के रिगार्डिंग मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि न्यू दिल्ली सीएम तो आपको पता ही, अरविंद केजरीवाल, एंड जो गवर्नर है वो कौन है, अनिल बैजल, ठीक है. पंजाब के भी पता है, अमरिंदर सिंह तो सीएम हो गए,
और हमारा वीपी सिंह बदनौर हमारे कौन हो गए, गवर्नर हो गए। ठीक है, सारे गवर्नर तो हमें ऑन द टिप्स हो ही गए होंगे। यूपी के योगी आदित्यनाथ हैं, आनंदीबेन पटेल, इनके साथ साथ आनंदीबेन पटेल जो है वो एमपी की भी हैं। ठीक है, और बिहार की बात करें तो बिहार के सीएम कौन है, नीतीश कुमार, फग्गू चौहान इज एन गवर्नर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतने टाइम से हम करंट अफेयर्स की क्लासेस रिपीटेटिव इसको डिस्कस कर रहे हैं, तो हमें ये ऑन द टिप्स हो ही गए होंगे। क्लियर है, तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर, ये रहा, विच फेमस बिल्डिंग वॉज इल्यूमिनेटेड विथ महात्मा गांधी अलोंग विद हिज मैसेज, उनके मैसेज के साथ आपका जो है लाइटेंड किया गया, कौन सी बिल्डिंग, इज इट वाज आईफिल टावर, इज इट बुर्ज खलीफा, इज इट बर्लिन कैथेड्रल, इज इट द सिडनी ओपेरा हाउस, क्या लगता है आपको? बी, द राइट आंसर इज बुर्ज खलीफा। आप जानते ही हैं ये सबसे टॉलेस्ट टावर है, पता है ना, ये वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट टावर है। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो दिस इज 829.8 मीटर इसकी हाइट है बुर्ज खलीफा की। जैसे हमारे इंडिया में इंडिया का सबसे बड़ा, मतलब पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टैच्यू, मतलब आपका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहा जाता है, आपको पता है ना, इंडिया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आपका जो है ये वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट स्टैच्यू कहा जाता है, दैट इज एन 182 मीटर हाइट है। वल्लभ भाई पटेल का स्टैच्यू बनाया गया है, ठीक है, उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर 31 अक्टूबर को आपका नेशन को ये डेडिकेट किया गया था 2018 में। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट, अगर फीट में बात करें तो 597 फीट की ऊंचाई पर ये आपका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, जो वल्लभ भाई पटेल के नाम पर देश को डेडिकेट किया गया है। ठीक है, 31 अक्टूबर इज एन बर्थ डेट ऑफ, कहाँ पे है ये इंडिया में? बेटा गुजरात में है ये। ठीक है, तो ये 31 अक्टूबर को डेडिकेट किया गया था नेशन, मतलब वल्लभ भाई पटेल को, नेशन को ये सौंपा गया था एक तरह से, और ये उनके बर्थ एनिवर्सरी पर, क्योंकि उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर ना हम क्या मनाते हैं, नेशनल इंटीग्रेशन डे मनाते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन डे मनाते हैं आपका उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर, क्योंकि उन्होंने देश को एक करने का काम किया था, किन्होंने, वल्लभ भाई पटेल ने, इसीलिए वल्लभ भाई पटेल के बर्थ पर हम आपका एकता दिवस भी मनाते हैं, राष्ट्रीय एकता दिवस, और उनके बर्थ एनिवर्सरी पर ही ये जो स्टेच्यू है ये देश को आपका जो है दिया गया था। क्लियर है, देश को सौंपा गया था। तो चलिए जरा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर, हियर वी आर हैविंग DRDO रिसेंटली कंडक्टेड टेस्ट फ्लाइट ऑफ स्मार्ट सिस्टम। ठीक है, इट हैज बीन लॉन्च्ड फॉर विच ऑपरेशन, किस ऑपरेशन के लिए इसको लॉन्च किया गया, इज इट एंटी एयरक्राफ्ट वारफेयर, इज इट स्पेस वारफेयर, इज इट एंटी सबमरीन वारफेयर, इज इट नेवल वारफेयर, क्या लगता है आपको? ठीक है, अब तो इसका सही जवाब है, द राइट आंसर इज बेटा एंटी सबमरीन वारफेयर। सबमरीन समझते ना, पनडुब्बी जो पानी के नीचे रहकर आपका जो है काम करती है, और उससे ऊपर देखने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं हम, पेरिस्कोप। ठीक है, ये आपका जो है युद्ध की स्थिति में बहुत हेल्पफुल रहती है सबमरीन, क्योंकि ये पानी के नीचे रहती है। एंड स्मार्ट की फुल फॉर्म क्या है, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पिडो। ठीक है, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ, कई बार स्मार्ट की फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं वो आपसे, क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, या ये भी पूछ सकते हैं भी किसने लॉन्च किया है, तो DRDO, इट वॉज लॉन्च बाय DRDO, या ये भी पूछ सकते हैं कि DRDO की फुल फॉर्म क्या होती है, हम जानते ही हैं, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। फिर ये भी पूछ सकते हैं कि DRDO जो है दैट इज हेडक्वार्टर्ड वेयर, DRDO इज हेडक्वार्टर्ड इन न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं, ओके। फिर या ये भी पूछ सकते हैं कि इसके चेयरमैन कौन है, तो जो इसके चेयरमैन है वो कौन है, आपके जी सतीश रेड्डी। तो इनमें से कोई भी क्वेश्चन बेटा एग्जाम में पूछा जा सकता है, दैट वी शुड हैव इन नॉलेज, DRDO दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1958। क्लियर है,
जैसे इसरो के चेयरमैन के सिवान हम हर बार डिस्कस करते आ रहे हैं हेडक्वार्टर कहाँ पर है बेंगलुरु में, वैसे इसके चेयरमैन कौन है, जी सतीश रेड्डी। तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग द इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैज प्रेजेंटेड द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। रतन टाटा बिजनेस आइकन, बिल्कुल ठीक जवाब, फॉर हिज पायनियरिंग रोल इन द बिजनेस रिलेशंस ओके ऑफ इंडिया यूएसए एंड फॉर द लाइफ टाइम अचीवमेंट इन द ग्लोबल लीडरशिप। तो ये दिया गया है आपका रतन टाटा को। किसको दिया गया बेटा? रतन टाटा को ये अवार्ड दिया गया है। क्लियर है? अब चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज सेट टू सेंड द वर्ल्ड्स फर्स्ट माइनिंग रोबोट, ठीक है, नेम्ड एस्ट्रॉइड माइनिंग रोबोट इनटू स्पेस बाय नवंबर 2020 टू आइडेंटिफाई एंड एक्सट्रैक्ट रिसोर्सेज। कौन सी कंट्री भेज रही है भैया वर्ल्ड का पहला माइनिंग रोबोट भेज रही है एस्ट्रॉइड माइनिंग रोबोट के नाम से? इज इट चाइना, इज इट यूएसए, इज इट इंडिया, इज इट रशिया? व्हाट डू यू थिंक, कौन सी कंट्री भेज रही है एस्ट्रॉइड माइनिंग? राइट आंसर इज चाइना। कौन भेज रही है बेटा? चाइना। आप जानते हैं चाइना की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? जैसे हमारी इंडिया की इसरो है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जैसे यूएसए की नासा है, नेशनल आपका जो है एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, क्लियर है? वैसे ही चाइना की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, चाइना आपका जो है नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, क्लियर है? सीएनएसए, जैसे नासा है वैसे ही सीएनएसए है, ठीक है। और रशिया की स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस, रोसकॉस्मोस, ये हमारी स्पेस एजेंसी किसकी है बेटा? आपकी जो है रशिया की है, क्लियर है? एक सेकेंड, आपका एक इम्पॉर्टेंट कॉल है, आई हैव टू अटेंड, वन सेकेंड। यस, तो यहाँ तक आई थिंक हमें क्लियर होगा। यस, तो हमारा जो चाइना की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, यूएसए की नासा, इंडिया की इसरो एंड रशिया की रोसकॉस्मोस। तो एस्ट्रॉइड, अच्छा अगर एक क्वेश्चन ये आ जाए कि एस्ट्रॉइड बेल्ट मेनली फाउंडेड बिटवीन, जो कि हमारे बाकी एग्जाम में आ जाते हैं, अगर बैंक को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, एस्ट्रॉइड बेल्ट मार्स एंड जुपिटर। एस्ट्रॉइड बेल्ट इज मेनली फाउंडेड बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। पहले प्लूटो को भी एस्ट्रॉइड की कैटेगरी में रखा गया था, लेकिन प्लूटो को, सॉरी, पहले प्लूटो को भी प्लैनेट कहते थे, लेकिन अब उस बाद में उसको एस्ट्रॉइड की कैटेगरी में डिफाइन किया गया, लेकिन अभी उसको हम क्या कहते हैं? ड्वार्फ प्लैनेट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ड्वार्फ प्लैनेट। किसको? प्लूटो को, ठीक है। तो दैट वी शुड हैव इन नॉलेज। तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। वाइल्ड लाइफ वीक 2020 marks the 66th wildlife week which is celebrated under the theme, ठीक है, तो इसकी थीम क्या क्या रही इस बार वाइल्ड लाइफ वीक की? इज इट लर्निंग लविंग एंड लिविंग विद द वाइल्ड लाइफ, रॉर रॉयर एंड रिवाइव, एक्सप्लोरिंग ह्यूमन एनिमल रिलेशनशिप, लाइफ बिलो वॉटर फॉर पीपल एंड द प्लैनेट, ब्रांचिंग आउट फॉर वाइल्ड लाइफ। व्हाट डू यू थिंक? यस, द राइट आंसर इज, द राइट आंसर इज रॉर, ठीक है। जो हमारा राइट आंसर है वो है सेकेंड, आपका बी इज द राइट आंसर कि आपका रोयर एंड रिवाइव, ठीक है। वाइल्ड लाइफ वीक जो हम मनाते हैं वो कब मनाते हैं? बिटवीन 2nd to 8th October विद द एम टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द फ्लोरा एंड फोना ऑफ द इंडिया, क्लियर। अच्छा एक बात बताइए, अभी इंपॉर्टेंट डेट्स तो हम कर चुके हैं और कुछ बैचेस में चल रहा है, ओके, वाइल्ड लाइफ वीक हम वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक तो हम फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में मनाते हैं, लेकिन हमारा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाते हैं? मैंने आपको मेमोरी टेक्निक से लर्न करा रखा है
मैंने आपको बताया था कि 3rd मार्च को हम क्या मनाते हैं, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाते हैं, ठीक है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाते हैं, इज इट क्लियर, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाते हैं, कब मनाते हैं आपका 3rd of March को, क्लियर है, इस दिन हम वर्ल्ड हियरिंग डे भी मनाते हैं, ठीक है, वर्ल्ड हियरिंग डे भी मनाते हैं इस दिन हम, ओके, तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर, द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैज एंटर्ड इनटू एन एमओयू, एमओयू मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एग्रीमेंट के लिए इसको यूज करते हैं, ठीक है, वन ऑफ द लीडिंग फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स टू स्ट्रीट फूड वेंडर्स ऑन इट्स ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, कह रहे हैं कि एक मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है वन ऑफ द लीडिंग फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म के साथ, ठीक है, टू ऑन बोर्ड स्ट्रीट फूड वेंडर्स, उसमें उसको भी इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा ऑन इट्स ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, इज इट फासोस, इज इट जोमैटो, उबेर इट्स, यस स्विगी, तो इसका सही जवाब है बच्चों, यस द राइट आंसर इज स्विगी, राइट आंसर इज स्विगी, अच्छा एक बात बताइए, ये तो हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं, हरदीप सिंह पुरी, कौन है हमारे हरदीप सिंह पुरी, ये भी हमें पता होना चाहिए, हरदीप सिंह पुरी इज एन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर, चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड हैबिटेट डे 2020, इज इट फ्यूचर सिटीज, शेल्टर फॉर द होमलेस, हाउसिंग फॉर ऑल अ बेटर अर्बन फ्यूचर, या शेल्टर इज माई राइट, ठीक है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए आपका कि वर्ल्ड हैबिटेट मनाते कब है, तो ये मनाते हैं बेटा 1st Monday of October को, ये भी फिक्स डे पर नहीं आता है, 1st Monday of October को मनाते हैं, दैट डजंट कम ऑन द फिक्स डे, जैसे हमारा मदर्स डे, फादर्स डे, फ्रेंडशिप डे, अस्थमा डे, लाफ्टर डे, ये सभी फिक्स डे पर नहीं आता है, ठीक है, लेप्रोसी डे, ये भी फिक्स डे पर नहीं आता, तो वैसे ही हमारा वर्ल्ड हैबिटेट डे भी फिक्स डे पर नहीं आता है, तो इस बार की इसकी थीम क्या थी, द राइट आंसर इज सी, हाउसिंग फॉर ऑल अ बेटर अर्बन फ्यूचर, इज इट क्लियर, यस, तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर, नेम द फर्स्ट एवर एयरपोर्ट ऑफ द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया टू बिकम एंटायरली सोलर पावर्ड, कह रहे कि देश का, हमारे इंडिया का, नेम द फर्स्ट एवर एयरपोर्ट ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ टू बिकम एंटायरली सोलर पावर, इज इट राजामुंड्री, इज इट पुडुचेरी, इज इट मोपा, इज इट डिब्रूगढ़, जो इसका सही जवाब है ना बेटा, दैट इज राइट आंसर इज पुडुचेरी, अच्छा एक बात बताओ, ये तो हमारे इंडिया का पहला एयरपोर्ट हो गया टू बिकम एंटायरली सोलर पावर्ड, अगर वर्ल्ड का सबसे पहला आ जाए दैट टू बिकम एंटायरली सोलर पावर्ड, तो उसमें नाम आता है बेटा कोचीन एयरपोर्ट, इसका नाम आता है बेटा कोचीन एयरपोर्ट, ये वर्ल्ड का सबसे पहला क्या था आपका फर्स्ट सोलर पावर एयरपोर्ट था, जो कि 2015 में आपका पूरी तरह से सोलर पावर एयरपोर्ट बन गया था, सबसे पहला, दिस इज फर्स्ट, ये हमारा फर्स्ट सोलर पावर है, ठीक है, ठीक है, वर्ल्ड फर्स्ट सोलर पावर है, वर्ल्ड फर्स्ट सोलर पावर एयरपोर्ट है, कौन सा आपका कोचीन एयरपोर्ट, ये भी हमें पता होना चाहिए, अब देखो एयरपोर्ट्स भी कई बार एग्जाम में आ जाते हैं कि कौन सा एयरपोर्ट कहाँ पर है, इसकी पीडीएफ भी अगर किसी को चाहिए हो तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा इस नंबर पे, एयरपोर्ट्स की, स्टेडियम्स की पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी, ठीक है, क्योंकि एयरपोर्ट्स भी कई बार एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, जैसे अभी अगर पूछ लेगी राजा मुंडरी, ये हमारा एयरपोर्ट कहाँ पर है, दिस इज लोकेटेड इन द आंध्र प्रदेश, कहाँ पर है बेटा, आंध्र प्रदेश में, कई बार एग्जाम में इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आ जाते हैं, और बैंक में काफी बार एयरपोर्ट, स्टेडियम्स ये पूछे गए हैं, ठीक है, अब मोपा एयरपोर्ट कहाँ पर है, तो ये मोपा एयरपोर्ट हमारा कहाँ पर है, गोवा में, ठीक है, कहाँ पर है, गोवा में, और डिब्रूगढ़ अच्छा। काफी बार सुना होगा आप लोगों ने, दैट इज लोकेटेड इन द असम, ठीक है, तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर, हियर वी आर हैविंग हु इज द फर्स्ट इंडियन ब्यूरोक्रेट टू बी ऑनर्ड विद इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स कोविड क्रुसेडर अवार्ड
किसको कोविड क्रूसेडर अवार्ड दिया गया है? इज इट नृपेंद्र मिश्रा, इज इट पीके मिश्रा, इज इट इकबाल सिंह चहल, इज इट अजीत डोभाल? व्हाट डू यू थिंक किसको दिया गया भाई? कोविड के लिए बहुत अच्छा काम करने के लिए कोविड के चलते उनको ये अवार्ड दिया गया है। पहला इंडियन ब्यूरोक्रेट है जो ऑनर्ड विद इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स कोविड क्रूसेडर अवार्ड मिला है। तो ये मिला है इकबाल सिंह चहल को, जो कि कौन है? जो कि हमारे मुंबई आपका जो है म्यूनिसिपल कमिश्नर ऑफ मुंबई है, जो कि कौन है? आपके म्यूनिसिपल कमिश्नर ऑफ मुंबई। अब आपको पता है अजीत डोभाल के बारे में सुना है? बहुत ही फेमस आपका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, कौन है? ये हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। और नृपेंद्र मिश्रा ये पहले आपका जो है एक तरह से प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके हैं पीएम को, लेकिन अभी प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएम कौन है? प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट रहती है किसमें? पीएमओ में। पीएमओ मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में कुछ एक इंपॉर्टेंट पोस्ट में से एक पोस्ट है प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएम, ठीक है? जो कि कौन है? हमारे पीके मिश्रा है। पहले नृपेंद्र मिश्रा थे, अभी कौन है? पीके मिश्रा है। ये भी हमें नॉलेज में होना चाहिए। तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर, विच फॉरेस्ट इज सेट टू बी इन अ रिस्क ऑफ चेंजिंग फ्रॉम फॉरेस्ट सवाना एज पर अ रिसेंट स्टडी? Amazon. देखो सवाना एक ग्रासलैंड है, ठीक है? दैट इज लोकेटेड इन अफ्रीका, ओके? तो सवाना एक ग्रासलैंड का नाम है जो कि अफ्रीका में लोकेटेड है। कह रहे हैं कि कौन सा फॉरेस्ट रिस्क पर आ चुका है फॉरेस्ट से सवाना में चेंज होने के लिए, मतलब ग्रासलैंड में बदलने के लिए, ठीक है? इज इट कोंगो रेन फॉरेस्ट, इज इट अमेजॉन, इज इट डेंट्री, इज इट टोंगास? व्हाट डू यू थिंक कौन सा रेन फॉरेस्ट जो है सवाना की कगार पर आ चुका है? ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये इसीलिए भी इंपॉर्टेंट बन जाता है बिकॉज इसका आंसर है अमेजोन। अब अमेजोन रेन फॉरेस्ट जो है ना बेटा, अमेजोन रेन फॉरेस्ट को हम क्या कहते हैं? इसको हम लंग्स ऑफ अर्थ कहते हैं। ये हमारे अर्थ के आपका जो है लंग्स कहे जाते हैं, बिकॉज जो 20% ऑफ अर्थ ऑक्सीजन है ना, 20% ऑफ ऑक्सीजन है अर्थ की, वो हमें इसी रेन फॉरेस्ट से मिलती है। तो एक बहुत क्रूशियल मैटर है ये अमेजोन रेन फॉरेस्ट का सवाना में चेंज होने का, एक रिस्क, बहुत बड़ा रिस्क है। और अमेजोन रेन फॉरेस्ट से हमें 20% ऑक्सीजन का पार्ट मिल रहा है। अब बाकी रेन फॉरेस्ट की बात करें, जैसे डेंट्री रेन फॉरेस्ट है, दिस इज लोकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया। ये कहाँ पर लोकेटेड है? ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है। अगर पूछ ले तो टोंगास इज लोकेटेड इन अलास्का, और आपको पता है कि अलास्का जो है टुंड्रा ग्रासलैंड के लिए जाना जाते हैं। इसके लिए जाने जाते हैं बेटा टुंड्रा ग्रासलैंड। टुंड्रा ग्रासलैंड जनरली वहां पर होते हैं जहां पर साल के 12 महीने में 10 महीने माइनस में टेम्परेचर रहता है, ओके? और 2 महीने आपका जो है एक तरह से समर्स होती है वहां पर, ठीक है? पॉजिटिव टेम्परेचर रहता है, लेकिन वो भी हमारे इंडिया की सर्दी के बराबर ही होता है। इज इट क्लियर? यस और नो? आई होप कि हमें यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। और कोंगो तो आपको नाम से पता चल रहा है, कोंगो रेन फॉरेस्ट इज लोकेटेड इन कोंगो, दैट इज इन अफ्रीका, ठीक है? तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर, दिस ईयर्स नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, अब फिजिक्स की बात हो रही है, हैज बीन अवॉर्डेड टू 3 साइंटिस्ट। देखो मेडिसिन का भी 3 साइंटिस्ट को दिया गया था और फिजिक्स का भी 3 साइंटिस्ट को दिया गया है, फॉर देयर वर्क इन विच फील्ड, किस फील्ड में काम करने के लिए? इज इट फोटोनिक्स, ऑप्टिक्स, कॉस्मोलॉजी या न्यूक्लियर फिजिक्स? तो इसका जो सही जवाब है ना बच्चों, वो है बेटा कॉस्मोलॉजी। तो किसको दिया गया है ये अवार्ड? रोजर पेनरोज ऑफ ब्रिटेन, रीनहार्ड गेंजल, एंड मतलब ये आपके ब्रिटेन के हैं, रीनगार्ड गेंजल एंड अमेरिकन एंड्रिया गेज ऑफ जर्मनी, ठीक है? तो ये आपका जो है ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं, ओके? और ये जो है रीनगार्ड अमेरिका से, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? एंड्रिया गेज ऑफ जर्मनी, ठीक है? तो ये तो नेशनलिटी की बात हो गई। अब इसको लर्न कैसे करेंगे? लर्न ऐसे करेंगे कि हमारा जो है रेन में भी हार्डली हम एंड्रिया, रेन में भी एंड्रिया जो है हार्डली पेन लेकर रोज आपका जो है फिजिक्स की क्लास अटेंड करने के लिए गई, ठीक है? रेन में भी हार्डली, रेन हार्ड, रेन में भी हार्डली एंड्रिया
पेन लेकर रोज फिजिक्स की क्लास अटेंड करने के लिए गई, रोजर पेनरॉस, रेनहार्ड गेंजल, अमेरिकन एंड्रिया गेस। आई होप कि हमें इस तरह से लर्न रहेगा, जैसे कि हमने मेडिसिन का लर्न किया था अभी, कि आपका जो है माइकल ने हट कर दी थी कि राइस खाने के लिए विदाउट अल्ट्रेशन किए उन्होंने खा लिए तो उनको मेडिसिन देना पड़ा, इसको कैसे करेंगे। एंड्रिया जो है रेन में गई थी, ठीक है, रेन में हार्डली, ठीक है, रोज पेन लेकर, इसको इस तरह से लर्न करना है, तो इस तरह से हमें इजीली लर्न हो जाएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, किसको मिला है और नेम द पर्सन, तो हमें पता होना चाहिए। तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर, द सेवेंथ ऑफशोर पेट्रोल वेसल ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड वाज फॉर्मली अनवील्ड एट द कट्टुपल्ली पोर्ट, चेन्नई, तमिलनाडु। इज इट वज्र, कौन सी कोस्ट गार्ड अभी आपका जो है अनवील की गई है कट्टुपल्ली पोर्ट पे, इज इट वज्र, वरड, वीरा या विग्रह, ठीक है। द राइट आंसर इज दैट इज विग्रह, ठीक है। कौन सी आपका जो है अब इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि विग्रह इज अनवील्ड एट कट्टुपल्ली पोर्ट चेन्नई, ठीक है, इज एन व्हाट, मतलब ये आपका क्या है, तो ये आपका मिसाइल है, ये आपका रॉकेट है, वट एवर, तो ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, ठीक है। ऑफशोर क्या है, ये आपका पेट्रोल वेसल है, या ऐसे ही पूछा जाता था कहाँ पर, तो ये भी पूछ सकते हैं कि विग्रह इज आपका फॉर्मली अनवील्ड एट कट्टुपल्ली पोर्ट इज लोक सॉरी फॉर्मली अनवील्ड एट विच प्लेस, तो कट्टुपल्ली पोर्ट चेन्नई, क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है। तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अपॉइंटेड डैश एज द न्यू चेयरमैन ऑफ SBI फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, ये क्वेश्चन एग्जाम दिनेश कुमार बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सही जवाब बेटा, इसका सही जवाब है दिनेश कुमार खारा, ये हमारा SBI के कौन बने हैं नए चेयरमैन, पहले रजनीश कुमार थे ना, अभी इसके नए चेयरमैन बने हैं दिनेश कुमार खारा। SBI के बारे में बताइए आपको, ये नंबर 1 पब्लिक सेक्टर बैंक है, नंबर 1 पब्लिक सेक्टर बैंक है ये इंडिया का। अगर मैं SBI की बात करूं, ठीक है, तो SBI जो है पहले इसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इसका नाम क्या था बेटा, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, 1921 में इसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जो कि 3 बैंक से कॉम्बिनेशन से बना था, बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास, मद्रास, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से, जो कि अलग अलग ईयर्स में बने थे, जैसे ये 1806 में बना था, ये 1811 में, ये 1843 में, ठीक है, 43 में, लेकिन ये याद ना रहे तो बेसिकली हमें ये ज़रूर याद होना चाहिए कि इनका तीनों को मर्ज करके ये जो इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था ये 1921 में बनाया गया था, ठीक है। तो इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया से इसका नाम SBI कब पड़ा, 1 जुलाई 1955 को इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम क्या पड़ गया, SBI, नेशनलाइज हो गया। अगर क्वेश्चन आ जाए कि SBI वाज नेशनलाइज इन विच ईयर, 1 जुलाई 1955, इसलिए 1 जुलाई को हम SBI डे के तौर पर भी मनाते हैं। ये सबसे बड़ा बैंक है, DSIB की कैटेगरी में भी इन्वॉल्व है, नंबर 1 पब्लिक सेक्टर बैंक है। अगर लोन में कहें या डिपॉजिट में कहें तो सबसे ज़्यादा जो मार्केट शेयर है, मोर देन, मैंने आपको अभी 26% बोला, तो अबाउट 30% शेयर आपका जो किसका है, आपका SBI का है, ठीक है। वर्ल्ड वाइड भी, ग्लोबल लेवल पर भी ये आपका टॉप आपका 200 बैंक्स में आपका लाई करता है, कौन सा, SBI। चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर, दैट इज हियर, विच कंट्री इज द चेयर ऑफ द 12th ब्रिक्स समिट 2020, इज इट ब्राजील, चाइना, इज इट रशिया, और इज इट सॉरी ब्राजील, इंडिया, रशिया और चाइना। तो पहले तो मैं ब्रिक्स के बारे में पता होना चाहिए, ब्रिक्स जो है ना इसकी फुल फॉर्म क्या है, बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से चाइना, आई से इंडिया, सी से चाइना एंड एस से साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका इसमें 2011 में ऐड हुआ है, ठीक है, 2011 में ऐड हुआ है, दैट वाज नॉट एन पार्ट ऑफ फर्स्ट ऑफ ब्रिक जो है 2009 में बना था, ठीक है। और जो हमारी 12th ब्रिक्स समिट है इस बार,
ओके, तो इसको जो चेयर कर रहे हैं कौन कर रहे हैं ये भी हमें पता होना चाहिए, जो है रशिया। जैसे अभी आपको पता है कि ब्रिक्स के बारे में ये भी पता होना चाहिए कि थीम क्या थी इसकी, थीम भी पूछी जा सकती है, थीम भी इम्पोर्टेंट है। ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ, ठीक है। ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ, दिस वॉज द थीम ऑफ ब्रिक्स समिट। अब एक चीज और पता होनी चाहिए कि इसके बैंक का नाम क्या है। ब्रिक्स बैंक है बेटा एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये किसका बैंक है बेटा? न्यू डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स बैंक, ठीक है। दैट इज ऑल्सो हेडक्वार्टर्ड इन शंघाई, ठीक है, शंघाई, लेकिन बीजिंग दे देते हैं। ओके, क्लियर है। तो हमारा ये भी आ जाता है एग्जाम के अंदर क्वेश्चन, कई बार ये पूछ लेते हैं कि ब्रिक्स। अच्छा, आपको पता है कि 2021 में ब्रिक्स को कौन चेयर करेगा? इंडिया, इंडिया, इंडिया विल चेयर ब्रिक्स इन 2021, ठीक है। दैट वी आल्सो शुड हैव इन नॉलेज। चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्रिकेट प्लेयर नजीब तरकाय हैज पास्ड अवे एट 29, ही यूज्ड टू प्ले फॉर विच कंट्री, ठीक है। आई थिंक इनका रोड एक्सीडेंट में इनका डेथ हुआ है। कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? इज इट जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान? द राइट आंसर इज अफगानिस्तान। अब अफगानिस्तान से रिलेटेड और क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं? अफगानिस्तानी कैपिटल क्या है? आप जानते ही हैं, काबुल। अफगानिस्तानी करेंसी क्या है? हम जानते हैं, अफगानी, ठीक है। पाकिस्तान की तो पता ही है, इस्लामाबाद। करेंसी कौन सी है? रुपया। बांग्लादेश की जल्दी से बताइए, कैपिटल क्या है? जल्दी से बताइए, ढाका। और हमारी करेंसी क्या है? टका। और जिम्बाब्वे की कैपिटल क्या है? हरारे। और इसकी करेंसी क्या है? आपका डॉलर, ठीक है। मैंने आपको लर्न कराया था ना पीएम जूम से, याद आया कुछ फॉरवर्ड, ठीक है। पीएम जूम, पलाऊ, मार्शल आइलैंड, ठीक है, मार्शल आइलैंड, यूएस, जिम्बाब्वे, यूएस, और उसके बाद माइक्रोनेशिया, ठीक है, आपका इक्वाडोर, उसके बाद हमारा जो है दो ई और थे हमारे पास, इक्वाडोर हो गया हमारा, इक्वेटोरियल इक्वाडोर के बाद हमारा कौन सा हो गया, ये जूम से लर्न किए थे हमने, उसके लिए आपको मैंने मेमोरी टेक्निक से सब लिखवा रखा है, ठीक है। तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। What was the profession of Vishal Anand, who has passed away? He was singer, lyricist, actor, producer, script writer, or film director? Yes, anybody. The right answer is yes, actor, producer. Clear है? तो चलते हैं जरा next question की तरफ। Next question ये रहा हमारी screen पर। Quad countries foreign minister meet 2020 was held B. Which countries are the members of the group? Is it Russia, Japan, India, Australia, US, South Korea, India, Australia, Japan, India, Australia, China, US, Japan, India, Australia? What do you think? US, Japan, India, Australia. Very good, बहुत बढ़िया। इसको हम ऐसे भी लर्न कर सकते हैं, जिया जो है ना US गई, ठीक है, जिया, J Japan, I जो है India, A से Australia, US। तो ये हमारा क्वाड, क्वाड कंट्रीज कही जाती है। अब क्वाड की फुल फॉर्म क्या होती है? व्हाट डू यू मीन बाय क्वाड? तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, किसके लिए ये बनाया गया है ग्रुप, इसके बारे में भी हमें नॉलेज होनी चाहिए। तो क्वाडिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, सिक्योरिटी डायलॉग, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, ये किसके लिए? ये आपका फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एंड मिलिट्री ड्रिल्स, मतलब मिलिट्री ड्रिल्स के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के लिए बनाया गया, सिक्योरिटी के लिए। तो अगर क्वाड की फुल फॉर्म बोले तो क्या रहेगी? क्वाडिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, ठीक है। इसके लिए आपका जो है ये बनाया गया है क्वाड, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए, एग्जाम में इसके रिगार्डिंग आ सकता है क्वेश्चन। ये भी पूछ सकते हैं क्वाड कंट्रीज कौन से, वो तो हमें पता चल ही गया, क्वाड की फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं वो आपसे, ठीक है। चलिए जरा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर।
name the India's largest HPC artificial intelligence supercomputer that will be Paramanand Sahib. Center for Development of Advanced Computing. Is it Paramanand, Param Siddhi, Param Gyan, Param Brahma? Kya lagta hai aapko? Yes. Anand Paramanand. The right answer is Param Siddhi. देखो पहले परम शिवाय के नाम से भी आया था, ठीक है, पता है? तो पहले खाली परम के नाम से आया था, ये इसकी सीरीज है, ओके? तो ये आपका जो है कमीशन्ड बाय कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसको डेवलप किया, सीडैक, ये भी पूछ सकते हैं, किसने किया सीडैक, सीडैक की फुल फॉर्म क्या हो सकती है ये भी पूछ सकते हैं, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ठीक है। इससे पहले हमारे सुपर कंप्यूटर और कौन से थे, प्रत्युष, जो लेटेस्ट वर्जन है, एक है प्रत्युष एंड मिहिर, प्रत्युष एंड मिहिर भी ये आपका लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर के एग्जांपल है। कई बार ऐसे ही पूछ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द सुपर कंप्यूटर, उसमें प्रत्युष एंड मिहिर का नाम भी दिया जा सकता है, ये भी हमारे लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर है, क्लियर, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर, द सिटवे पॉट विच इज शेड्यूल्ड टू बी ऑपरेशनल इन क्वार्टर वन ऑफ 2021 has been built by India in which country? कौन से बनाने जा रहे हैं, ठीक है, 21 के पहले क्वार्टर में शेड्यूल ऑपरेशन में आएगी, ठीक है, इज इट भूटान, नेपाल, म्यांमार या बांग्लादेश? व्हाट डू यू थिंक? यस, द राइट आंसर इज म्यांमार। अच्छा, म्यांमार की कैपिटल क्या है, जल्दी से बताइए। यस, नेपीटो, 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 ठीक है। और अगर इसकी कैपिटल की बात करें तो आप जानते ही हैं, क्या मैंने मारोगे क्या, वी हैव लर्न लाइक दिस, दिस इज एन करेंसी, दिस इज एन कैपिटल, ठीक है। नेपाल इज वेरी कॉमन, काठमांडू इज एन कैपिटल एंड रुपया चलता है, भूटान इज ऑल्सो वेरी कॉमन, भूटान की कैपिटल तो बेटा थिम्पू है, लेकिन इसकी करेंसी लर्न है। भूतों की गल नहीं करनी चाहिए, न गल्ट्रम, गल्ट्रम इज एन करेंसी ऑफ भूटान, ठीक है। बांग्लादेश की तो अभी कर ही चुके, टका इज एन करेंसी एंड ढाका इज एन कैपिटल। चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर एंड एडवाइजर ऑफ स्पोर्ट्स टीच स्टार्टअप ह्विडन? किसको बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर एंड एडवाइजर ऑफ स्पोर्ट्स टीच? बताइए। यस एवरीबडी, yes, is it Rohit Sharma, is it MS Dhoni, is it KL Rahul, is it Ajinkya Rahane? तो आपका जो इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, आप है टी स्टार्टअप हुडल, आपका दैट इज Ajinkya Rahane, ठीक है। बाकी अगर MS Dhoni की बात करें तो इनके पास तो बहुत सारे ब्रांड्स हैं, ठीक है, जिनके ब्रांड एम्बेसडर हैं, जिसमें से एक फेमस है PepsiCo और एक Reebok, ये फेमस ब्रांड्स में से एक है, ठीक है। इस तरह से मैंने लास्ट क्लास में आपको ये बताया भी था कि रोहित शर्मा को ओकले का बनाया गया, जो रिसेंट बनाया गया, ओकले का बनाया गया जो कि स्पोर्ट्स आईवियर है, ठीक है, स्पोर्ट्स आईवियर है ओकले, उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, ठीक है। इस तरह से हमने बहुत सारे ब्रांड एम्बेसडर डिस्कस किए थे, विराट कोहली के पास भी बहुत सारे आपके जो है टाइटल है, क्लियर है। तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जैसे मैंने बताया था आमिर खान है, उसको वो किसके फोन पे के बने, ठीक है, ये भी बताया था। आलिया भट्ट भी इनके साथ फोन पे से जुड़ी हुई है, और भी बहुत सारे ब्रांड जिनके नाम है। तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग द अनफिनिश्ड इज द मेमोर ऑफ हुम? इज इट आलिया भट्ट, इज इट प्रियंका चोपड़ा, इज इट दीपिका पादुकोण, is it Anushka Sharma? Unfinished is the memoir of whom? किसका है? जल्दी से बताइए। जो इसका सही जवाब है, that is an Priyanka Chopra. Clear है? Priyanka Chopra. ये बहुत ही important question है exam के point of view से। चलिए जरा चलते हैं last question की तरफ। तो last question आज की class के लिए आ रहा है आपकी screen पर। Here we are having, name the state which long ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म डिशटेबो, तेलंगाना लर्निंग प्लेटफॉर्म शुरू किया डिशटेबो के नाम से, इज इट आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना या गोवा? क्या लगता है आपको? यस, द राइट आंसर, यस द राइट आंसर इज गोवा।
अब इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है डी से डिजिटल, आई से इंटीग्रेटेड सिस्टम फॉर होलिस्टिक टीचिंग एंड वर्चुअल ओरिएंटेशन, टीचिंग एंड वर्चुअल ओरिएंटेशन, क्लियर? डिजिटल इंटीग्रेटेड सिस्टम फॉर होलिस्टिक टीचिंग एंड वर्चुअल ओरिएंटेशन, जो कि इसकी फुल फॉर्म है। अब इसके रिगार्डिंग और क्वेश्चन क्या आ सकते हैं जल्दी से बताइए। गोवा के सीएम तो पता ही है आपको कौन है, जल्दी से प्रमोद सावंत, ठीक है। अच्छा, इसके गवर्नर याद है आप लोगों को, क्योंकि इसके और महाराष्ट्र के सेम है, भगत सिंह कोश्यारी, दोनों के सेम है, भगत सिंह कोश्यारी, ठीक है। ये आपके महाराष्ट्र के भी गवर्नर है और जो है ये हो गए सीएम, ये हो गए गवर्नर, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, तेलंगाना के सीएम कौन है? चंद्रशेखर राव, ठीक है। ये तो हमारे हो गए सीएम। और इस गणेश तमिलीसई सुंदरा राजन, सुंदरा राजन, ये कौन हो गए इसकी गवर्नर? कर्नाटका काफी येदुरप्पा तो कौन हो गए आपके सीएम हो गए, ठीक है। और अगर वाजुभाई वाला कौन हो गए? गवर्नर। आपको लर्न कराया था वाई करते हैं इसे लर्न कर हो जाता है हमें, ठीक है। आंध्र प्रदेश के आपको पता है जगन्नाथ मोहन रेड्डी और बिश्वभूषण, ठीक है। और इसके जो गवर्नर है बिश्वभूषण हरिचंदन, ठीक है। तो अब ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, और नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे आपका इसको आगे डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय एवरीबॉडी। और मैं आप दोबारा से बता रही हूँ, अगर किसी क्लास में मिस हो गई हो तो हमारा यूट्यूब चैनल कमल हितेश बजाज एप्टीट्यूड पर जाकर आप उसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। उस पर मैंने हरियाणा जीके की भी वीडियोज डाल रखी है, हरियाणा जीके की वीडियोज की अभी आपका जो है मैंने अभी इसको स्टार्ट किया है, उसमें मैंने अभी दो वीडियोज डाली हैं, जिससे आप मेमोरी टेक्निक से आपका एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स लर्न कर सकते हो, ठीक है। और आपका इसके अलावा जो है मैंने डांस आपका जो ऑर्नामेंट्स है उसका वीडियो डाला है, तो उसको भी जाकर आप जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर कवर कर सकते हो। और अगर आपको इसके अलावा कोई भी प्रीवियस बैंकिंग की प्रेजेंटेशन या कोई भी एयरपोर्ट की पीडीएफ या स्टेडियम्स की लिस्ट की पीडीएफ या करेंसीज कैपिटल्स या किसी भी चीज़ की पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर 9034064864 व्हाट्सएप करके मंगवा सकते हैं। तो टिल देन बाय एवरीबॉडी, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद नेक्स्ट क्लास में, बाय।